टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे न छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। लहरपुर में नवरात्र के पहले दिन निकाली गई धूमधाम से शोभा यात्रा। लहरपुर क्षेत्र में नवरात्र के पहले दिन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी देवी देवताओं को बच्चों ने उनकी वेशभूषा पहनकर प्रदर्शित किया। वे भक्तों की टोली ने जमकर जय जय श्री राम के नारे लगाकर यात्रा की शोभा बढ़ा दी। यात्रा पक्के ताल से खैन्ना चौराहे पर भ्रमण कर विश्वा चौक की चुंगी पर लोगों ने यात्रा के साथियों इकट्ठा कर सूरजकुंड की ओर खना हो गए। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता हाजी जावेद ने जलपान कराया और केले बांटे। अपने अपने स्तर से अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जलपान आदि की व्यवस्था की हुई थी। शोभा यात्रा ये स्थानों से गुजरी तो जगह जगह शेरों वाली की सवारी और पुष्प वर्षा की गई। कई जगह शोभा यात्रा की आरती भी की गई। शोभा यात्रा में श्री गणेश, माँ दुर्गा, काली बाबा सहित आधा दर्जन से अधिक स्वरूपों की झांकियों में जगह जगह दी गई। शोभा यात्रा के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान दीपेश मिश्र, बादल भारती, कबीर खान, रवि भदौरिया आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।